डिटेल से देख लेते हैं। कौन से स्टार्ट करते हैं, जैसे इस तरह हमने कोरल में देखा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स अपनी जो है वो रिपीट करवानी है, ट्रांसफॉर्म करवानी है किसी भी एंगल के ऊपर, या रेपिटेशन करवानी है, तो वो आप करवा सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करें पहले ट्रांसफॉर्म करिए, कोई सी भी जैसे शेप ड्रा कर लें आप, जैसे स्टार है इसको ड्रा कर लेते हैं टेरिक, और इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें कोई सा भी कलर कर लें, कोई ग्रेडियंट कलर कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट का आपको पता है, ऐसे कलर चेंज कर लें। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा जो ऐसा भी आप कलर करना चाहेंगे। अभी मैंने ये कर दिया, फिर इसके कॉर्नर थोड़े से राउंडेड कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, इसलिए इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी एंगल के ऊपर, रिपीट करना है इसी जगह के ऊपर आप चाह रहे हैं कि रिपीट हो जाए, कैसे वो भी हम देखेंगे। अच्छा, ये कलर बल्ब जाने देते हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा आप जाएँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद ट्रांसफॉर्म ईच, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट है, या इधर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इधर आए तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर ये पॉपअप ओपन होगी आपके पास, यहाँ से आप देखें स्केल क्या करना है, स्केल में साइज इसका क्या रखना है, साइज इसका जो है रिड्यूस करना है आपने या नहीं करना। ठीक है, स्केल है ओरिजेंटल, आपने साइज 100% पे ही, अभी वर्टिकल भी 100 पे है, और मूव मीन्स आपने इसको लेफ्ट मूव करना है, राइट करना है, ये लिखा भी है ओरिजेंटल और वर्टिकल, ये आप करना चाहें, या फिर नीचे आ जाएँ, रोटेशन एंगल दिया हुआ है, इसको आप किस एंगल के ऊपर आपने रोटेट करना है। ठीक है, नीचे देखें तो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट, स्केल कॉर्नर्स, और ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ही, यहाँ पे आप एंगल दें, सपोज मैं दे देता हूँ इधर 25 का एंगल। ठीक है, और ये नीचे आप विंडो, स्मॉल विंडो जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, इसका एंकर पॉइंट, इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे है, अभी ये सेंटर में ही है। ठीक है, नीचे करेंगे तो एंकर पॉइंट इसका चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी सेंटर से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। सेंटर से स्टार्ट किया तो इसकी हमने ओके नहीं, मतलब हम चाह रहे हैं कि इसकी कॉपी कर लें, एक कॉपी करें तो ये कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, एक कॉपी हो गई है सेम उसी साइज़ की, स्केल हमने चेंज नहीं किया, वो 100 ही था। ठीक है, सेम वही साइज़ है, उसकी कॉपी जनरेट हो गई है। इधर दोबारा जाएँ ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म, मैं ये ऊपर सबसे कंट्रोल डी, ये ट्रांसफॉर्म अगेन, इसको ट्रांसफॉर्म अगेन करेंगे एक और कॉपी आ जाएगी, जैसे शॉर्टकट से कंट्रोल डी कर रहा हूँ, ये जितनी भी आप चाहें इधर से इसकी कॉपीज कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी हमने इसका स्केल नहीं चेंज किया, वो 100 ही है। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं, एक इनमें से चलिए दोबारा ड्रा कर लेते हैं स्टार। ठीक है, अभी इसका कलर भी कहीं और कर लेते हैं। और ये लीनियर ही कर लेते हैं कलर इसका, ये इसको सेंटर में कर लें, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसका ये कॉर्नर जो है ये भी थोड़ा सा राउंडेड कर लें। ठीक है, अभी इसको दोबारा जाएं आप ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ईच, और ये देखिए पहले वाली जो सेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी हो गया,
अभी एंगल इसका यही रहने देते हैं 25, और अब स्केल चेंज करते हैं 80 या 90, चले 90 कर लेते हैं। स्केल मीन्स इसका साइज थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स के जब ट्रांसफॉर्म हो इसका साइज भी चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका साइज भी रिड्यूस हो, जब भी ट्रांसफॉर्म करें हर बार इसका साइज रिड्यूस हो 10%, ठीक है। इसको भी ओके करते हैं। ये इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में ही है, ठीक है, जिसके जहाँ से ट्रांसफॉर्म होना, रोटेट होना। ये 25 के एंगल की कॉपी करते हैं, तो अभी इसका साइज पहले से कम हुआ 10%, ठीक है। दोबारा करते हैं कंट्रोल डी, तो अभी जितनी भी आप कॉपीज करेंगे हर बार 10% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी आप कॉपीज इसकी जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये अभी हमने स्केल इसका काम किया है, मीन्स साइज इसका काम किया है, ओरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, मीन्स चारों तरफ से। ये 10% साइज कम है इसका, ये देखिए फर्स्ट वाला ये था, सेकेंड ये है, 10% साइज कम है इसका, ठीक है। इसी तरह कोई और आप ऑब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे पॉलीगॉन ले लें, 6 कॉर्नर वाला, 6 कॉर्नर वाले लें आप पॉलीगॉन, और इसका कलर चेंज कर लें, ग्रेडियंट करना चाहें तो ग्रेडियंट कर लें, कोई और करना चाहें कोई और कर लें, अच्छा ये वाला कर लें, और इधर थोड़ा सा डार्क और डार्क कर, ठीक है। इसको सेंटर में कर लें ऐसे, नहीं इसको ऐसे रंग, अच्छा इसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें जैसे अगर ऐसे आप करना चाह रहे हैं तो, चले कॉर्नर भी रहने दें, दोबारा जाएं ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म ईच, ठीक है। और जो हमने पहले सेटिंग की है वही पिक कर रहा है, ठीक है। 25 एंगल, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, या साइज इसका रिड्यूस करना है, मैंने 10% किया, आप 80 कर लें, 70 कर लें, जितना भी कर, इसी सेटिंग के ऊपर हम करें। इसको कॉपी करें और कंट्रोल डी करते हैं ऐसे, जितनी बार आप करेंगे कॉपीज तो हर बार ट्रांसफॉर्म होगा और साइज भी 10% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी सी, अगर इसको जूम करें ऐसा पैटर्न सा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये था ट्रांसफॉर्म सिंपल। अभी इसका जो नीचे वाला है रोटेशन जो हो रही है वो चेंज करते हैं, मूव इसकी जो है वो चेंज करते हैं, कुछ और ड्रा कर लें स्टेरिक, ठीक है स्टेरिक, ठीक है, लेकिन 4 वाला, इसका कलर वही कर लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। अभी दोबारा जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, तो मूव इसकी क्या है, ओरिजेंटल और वर्टिकल, अभी 0 पे है इसको, चलें ये बाद में देखते हैं। अभी नीचे आए तो ये आपको नज़र आ रहा है इसका सेंटर, कि कहाँ पे इसने मूव होना, इसकी कॉपीज करें, ठीक है। साइज इसका जो है ना वो कर देते हैं हम 80%, ये ज़्यादा है, ज़्यादा बाहर चला जाएगा, ठीक है। हमने कॉपी की इसकी, तो इसकी कंट्रोल डी करें, देखें क्यों, क्योंकि हमने इसका जो एंकर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, थैंक यू सर, वो हमने नीचे कर दिया, बाय पहले सेंटर में था तो सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, अभी हमने क्या किया कि इसको बाय ले गए हैं, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमने चेंज कर दिया इसका, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने चेंज किया, अच्छा इसको साइड पे करते हैं ऐसे, कोई और जो है इसको करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जिस तरह इसी की कॉपी करी है मैंने एक, ठीक है। इसका कलर भी एक ही कर लेते हैं, ठीक
ठीक है, इसको अभी इस साइड पे लेके जाना चाहें आप, मतलब आप चेंज कर दें इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जैक ट्रांसफार्म और ट्रांसफार्मेशन। अभी ये नीचे है, इसको लेफ्ट साइड पे कर दें। ये देखें स्टार्टिंग इसका चेंज हो गया है, राइट पे कर दें, नीचे इस साइड पे करते हैं, राइट साइड पे इसकी कॉपीज करें। अभी कंट्रोल डी डी, तो ऐसे ये नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉपीज हो रही है क्योंकि कलर एक है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर ग्रेडियंट ही रखते हैं। ठीक है, अभी करें, ठीक है, इसकी कॉपीज कंट्रोल डी, तो ऐसे एंकर पॉइंट चेंज हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से तो जो भी आप एंकर पॉइंट रखें वहां पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, और जो इसका मूव है वो चेक कर लेते हैं, मूव हमने कैसे करवाना है। ट्रांसफॉर्म में दोबारा जाएं, और मूव का क्या है वो कोई इतना नहीं है, आप इसको 10 पे कर दें मूव, और इसको भी 10 पे कर दें, ये अपनी पोजीशन से हट जाएगा। ठीक है, और ये इसको सेंटर में ही आप रखना चाहिए, सेंटर में रख लें। ठीक है, अभी इसकी कॉपीज करें, देखिए अपने अभी सेंटर में नहीं रहेगा, सॉरी मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वैल्यूज हमने चेंज की हैं ये। ठीक है, ऐसे इस तरह ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी एंगल के ऊपर, या मूव करवाना है, उसकी कॉपीज करनी है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो नीचे जाते हैं हम रोटेशन में, इसकी एक कॉपी कर लें आर्टबोर्ड की, इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इसका हम रोटेशन देखते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के थे ऑप्शन, हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा था हर शेप को। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ऐसे किसी भी फिक्स जो आप इसका सेंट्रल पॉइंट है किसी भी जगह पे रखें एंकर पॉइंट में, जिस तरह कोरल में भी हमने देखा था, उसके आपने जिस जो है उसको रोटेट करवाना है, तो वो आप कैसे करेंगे। अभी कोई चीज़ इधर सिंपल सी मैं लेता हूँ, एक सर्कल ले लें छोटा सा। ठीक है, इसको अभी हमने रिफ्लेक्ट करना है, इधर आए आप आर प्रेस करें, या यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोटेट टूल, और उसके नीचे ही रिफ्लेक्ट टूल पड़ा हुआ है, ऊपर से भी ट्रांसफॉर्मेशन से भी दे सकते हैं, लेकिन इधर से भी दे सकते हैं। तो ये देखें इसका, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ऐसे जूम करें तो इसका अभी सेंट्रल पॉइंट देखें यहाँ पे है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है, इसको रोटेट करूँगा, डबल क्लिक करें, और ये किस एंगल पे आपने रोटेट करना है, 25 पे रख लें चलें, और इसकी कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पे रोटेट होगा ये, इसकी कॉपी 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 करें, कॉपीज भी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो नहीं चेंज किया इसलिए इधर ही कॉपीज हो गई हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा जाते हैं इधर रोटेशन में आर। अच्छा, अभी ये आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, कि जिस जगह से आपने मूव करवाना है एंकर पॉइंट इसका चेंज कर दें, जो सेंट्रल पॉइंट है मिड पॉइंट है वो हम उठा के इधर ले आए नीचे। ठीक है, ये आपको नीचे मिल गया, तो अभी आप क्या करें, आर्ट कीबोर्ड से आर्ट प्रेस करके इसको, ये देखें आर्ट प्रेस करेंगे साथ ही ये एरो भी डबल हो जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से एक फिल और एक एम्प्टी, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करें, ये देखें इसको जितना भी आप मूव करेंगे ये जो आपने पॉइंट दिया न्यू वाला उसके गिर्द ही ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये ठीक है, वहाँ पे दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाए। अभी मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे लेके आता हूँ कि इस एंगल पे
-36, वो एंगल भी आ रहा है साथ, -36.21 इसका एंगल, या इस साइड पे करें तो यहाँ पे भी आपको ये एंगल नजर आ रहे हैं 38 पे। अभी मैं उसको मूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे छोड़ूंगा, कॉपी भी होगी। और इस जो ये आपने सेंटर पॉइंट चेंज किया उसके गिर्द ही रहेगा, वहाँ पे रहेगा। अभी इसको कंट्रोल डी से कॉपीज करें ऐसे, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर इसने जो है रोटेट करवा दिया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान पे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, इसको साइड पे करते हैं थोड़ा सा, इनमें से कोई एक उठा लें, यही सेंटर में ही है। अच्छा, अभी दोबारा जाते हैं तो फिर आपका ये देखें सेंटर, सेंटर भी लिखा हुआ, आप इसका सेंटर बेसिकली चेंज करें, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आए नीचे इस जगह पे। तो अभी हम मूव करवाएंगे तो इसी पॉइंट के जो है रोटेशन होगी इसी पॉइंट से, ठीक है। अभी इसकी कॉपीज कर लें, कंट्रोल डी ऐसे, ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी, मीन्स आपने सेंटर चेंज कर दिया हो इसका, तो जितनी भी आप कॉपीज करना चाहें उसी सेंटर पे मूव हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो देखते हैं एडवांस, इसको साइड पे कर दें, एक उठा लें, न्यू भी ड्रा कर सकते हैं, मैं वैसे ये ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे रखें। अभी हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं ऐसे, इसको सेंटर कर लें, इसका फिल खत्म कर दें, ठीक है, स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, ठीक है। अभी ये जो बड़े वाला सर्कल लगाया, ये इसका सेंटर देखें जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे रूलर लगा लें, ये सिंपल वे से हम करते हैं, ये सेंटर है इसका, ठीक है, यहाँ पे हम रूलर लगा लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये इसका मिड पॉइंट। अच्छा, इसको रखें यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, दोबारा रोटेशन में जाते हैं, इसका सेंटर ये, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे इसके सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, इस जगह पे। अभी हम रोटेट करवाना है इधर को या इधर को, तो इसी सेंटर में होगा ये मूवमेंट जो है ऐसे। अभी इसकी कॉपीज करें, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो सारी कॉपीज उसी सेंटर जो आपने सेलेक्ट करवाया नीचे लेके आए, वहाँ पे सारी कॉपीज होंगी, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आ गई इनको आप बाद में भी डिलीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला कर दें। वो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये एंगल कम ज्यादा उस वजह से आ गया, इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जितनी भी आप कॉपीज करना चाहें ऐसे, इसको बाद में डिलीट करना चाहें डिलीट कर लें। इसी तरह कुछ और ये आपका यूज होगा काफी, आपको जरूरत पड़ेगी ऐसी चीजों की, इसको साइड पे करते हैं ऐसे। कुछ और ड्रा कर लेते हैं, जैसे एक सर्कल, इसको फिल कर लेते हैं, इसको फिल कर लें किसी भी कलर से आप कर सकते हैं, मैं येलो ले रहा हूँ, वाइट कर लें, ज्यादा डार्क हो गया, और सन के जो कलर होते हैं मैं बेसिकली वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, कुछ भी आपके माइंड में जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से पॉलीगॉन थ्री वाली ऐसे, इसको थोड़ा सा छोटा पहले तो कर लें, ये अच्छा गाइड जान है, जहाँ पे सेंटर बनता है किसी भी चीज का तो आपको साथ गाइड्स भी शो हो जाते हैं। अभी इसके सेंटर में करना चाह रहा हूँ, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका सेंटर जो है यहाँ पे लेके आए, वही उसी तरह आप रूलर लगा सकते हैं,
यहाँ पे, और इधर वाला भी यहाँ पे। इधर वाला वैसे गायब हो गया, दोबारा लगा लें। ये वाला डिलीट कर दें। ये अभी रोटेशन टूल आपका इसके लिए होगा, इसके लिए रोटेशन। तो अभी ये आपको इसका सेंटर नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे आप लेके आए हैं। इसको ड्रैग करके नीचे ले आए यहाँ पे, और इसकी कॉपीज करें यहाँ से स्टार्ट, या थोड़ा सा कम कर लें, हार्ड प्रेस करके आप कॉपी करेंगे। ठीक है, अभी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, मल्टीपल कॉपीज आप जनरेट कर दें ऐसे। तो ये कुछ इस तरह के इफेक्ट जो सन की होती है, रेज, सन रेज जो है, और सनराइज रेज जो निकल रही है, वो इस तरह से नजर आ रही है। ऐसी चीजें हमने उधर भी देखी, लेकिन ऐसे ऐसे किसी भी सिंपल ऑब्जेक्ट को आप करना चाहें, इसको साइड पे कर लें, कोई सा भी ले लें, इस तरह की कोई शेप ले लें। ठीक है, इसको फिल कर लें किसी भी कलर से। ठीक है, इसको थोड़ा सा काम कर लें। ठीक है, इसको करवाना चाहें रोटेट, आप सिंपल रोटेट पे जाएं। अगर सेंटर से करना चाह रहे हैं, इसकी कॉपी सेंटर से करना चाह रहे हैं, अच्छा, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। एंगल आप इधर भी दे सकते हैं, फिर 25 कॉपी करनी है आपने, कंट्रोल डी हो जाए। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से स्पोर्ट करें हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं नीचे से, तो ये चेंज कर लें यहाँ पे, लें सॉरी सेंट्रल पॉइंट इसका यहाँ पे लें। चलें, जितना नीचे करेंगे उतना इसका जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा। इसको थोड़ा सा नीचे करें अभी, इसको रोटेट करवाएं ऐसे, और इसको कंट्रोल डी कर दें। जितनी जितनी भी आप कॉपीज करना चाहें मल्टीपल, ठीक है, कुछ ऐसे से। तो ये रोटेशन का है, ठीक है। इसी तरह इसी को यूज करते हुए आप कोई और चीज ड्रा करना चाहें, जैसे कुछ वो बैकग्राउंड पैटर्न्स होते हैं, उनको ड्रा करना चाहिए। इसको इधर ही रहने देते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं अपने आर्ट बोर्ड की। पेन टूल से सपोज वो फ्लावर की जो क्या होती है, पेटल, वो अगर ड्रा करें इधर से ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी छोटी है तो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इधर से भी थोड़ा सा काम कर दें, ठीक हो गया। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, वैसे ग्रीन होती है ये का। अच्छा, उसे इसको इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको अंदर से खत्म करने के लिए वाइट कर देते हैं इस तरह की। तो थोड़ा सा छोटा कर लें ऐसे। अच्छा, इसको सेंटर में करें और इसको भी रोटेट करवाएं। ठीक है, ये अभी इसका सेंटर सपोज आप यहाँ पे ले आते हैं इस जगह पे, ठीक है, और इसकी
ऐसे मतलब इतनी करना है, कॉपीज करना चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे 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 कुछ इस तरह की ड्राइंग आप अगर देखें तो वो बिल्कुल इस तरह सिंपल होती है, आपको देखने में लगती है कि डिफिकल्ट है लेकिन वो सिंपल होती है। इसको पता करते हैं, एक उठा लेते हैं इधर से, इसका जो इनर है वो फिर खत्म करते हैं, ये सही नहीं बना, ये इसको साइड पे कर दें। इसका कलर ब्लैक कर लें, ये अभी दोबारा जाएं उधर आर में, इसका सेंटर यहाँ पे ले आए, ठीक है, और अभी इसकी कॉपीज कर दें यहाँ से स्टार्ट, कंट्रोल डी 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 डी। कुछ इस तरह की चीजें आपको नजर आए तो बिल्कुल बड़ी जल्दी से आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी होती है। अगर आप देखेंगे अगर पेन टूल से ड्रा करना चाहें ये सारा तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर इस तरह के आपको पैटर्न नजर आए। अच्छा, बाद में भी सॉरी, इनको आप चेंज करना चाहें कुछ, जैसे यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहें, यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हमने बिल्कुल सिंपल जो है वो ड्रा किया, ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरह से। अच्छा, इसी तरह वो रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन का हम यूज़ भी करते रहे हैं लेकिन दोबारा से भी देख लेते हैं, सिंपल है वो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आप सपोज सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक ले लें, ठीक है, इसको सेंटर करें, कलर इसका और इसकी एक कॉपी कर लें, ऑफ कर लेते हैं इसका, ऑफ कलर ये वाला, वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं इधर ही आए, ये नीचे वाला रिफ्लेक्ट टूल, ठीक है, रिफ्लेक्ट टूल डबल क्लिक किया है तो एक बार रिफ्लेक्ट आ गया हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, ठीक है, ये देखें इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे प्रीव्यू ऑन है इसका, हॉरिजॉन्टल करना चाहें वर्टिकल करना चाहें, अच्छा इसी तरह इसका एंगल चेंज करना चाहें कोई सा भी 25 इसकी कॉपी करें तो ये ऐसे कॉपी हो गई है, ये अभी रिफ्लेक्ट है, मीन्स कलर अगर ओरिजेंटल है वर्टिकल है उनको आप करना चाहें, इधर से भी कर सकते हैं या अगर ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, वही ऑप्शन आपके पास ओपन होंगी, ठीक है, इसको चेंज करना चाहें, ये नीचे देखें कलर पहले इधर है, लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप इस तरह भी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें इसकी कॉपी भी कर लें, ठीक है, अच्छा वो दूसरी साइड भी हो गया, दोबारा कर लेते हैं वर्टिकल कॉपी, ये कुछ इस तरह रिफ्लेक्शन के हैं, ये आपने पहले भी देखे हुए हैं, इधर आके आप ऐसे राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म अगेन रोटेट रिफ्लेक्ट, इधर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं रिफ्लेक्ट, तो इधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा ही है, ये पहले भी देखा हुआ है रिफ्लेक्ट करने का, मीन्स के शेप का एक पार्ट दूसरी साइड पे सेम आप कॉपी करना चाहें तो इसको यूज करते हुए वो आप कर सकते हैं, ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है सर्कल, इसको यहाँ पे लेके आए, एक ट्राइपॉड, जब हम इसको
तो हमें पहले कॉपी खुद लेनी पड़ती है, बाकी दोबारा तो हम कंट्रोल रीड से कर लेते हैं ना, तो इसकी पहले कॉपी हमें खुद लेनी पड़ती है। हाँ जी, पहले कॉपी खुद लेना पड़ती है। अच्छा, इसको आप देखें रिफ्लेक्ट करना चाहें, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ये वही वाला है, देखें अभी कलर उधर चला गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आप करना चाहें, ये कॉपी भी हो गई है, इसका कलर रिवर्स हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह के ये आप हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फिर जो आपने लोगो डिज़ाइन किया है, कुछ भी डिज़ाइन किया है, अगर इस तरह की चीज़ें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शंस के टूल, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टूल, दोबारा आ जाते हैं, और क्या इसमें यही चीज़ें यूज़ होंगी। मूव का आपने देख लिया, मूव आपने करवाना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको करके भी देख लें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ये 20 पिक्सल पोज करें आप करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी कर दें, ये 20 पिक्सल एक कॉपी भी हो गई है और मूव भी कर दिया, मूव वही कॉपी करके एक मूव करवा लिया जैसे आप सिंपल करते आए हैं। ठीक है, सपोज इसको किया और ट्रांसफॉर्म मूव, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हुआ पहले, इसको वर्टिकल कितना करना है 10, हॉरिजॉन्टल भी 20 कर देते हैं, इसकी एक इधर से एंगल भी चेंज कर दूँ, कॉपी कर लें तो कुछ यहाँ पे मूव हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, जो और इसमें है एक चीज़, ट्रांसफॉर्म में जाए, रोटेट रिफ्रैक्ट स्केल, स्केल का आपने देख लिया, ठीक है, साइज इसका 90% करें, इसका 90% करें, साइज जो है वो है स्केल। ठीक है, ये इनर जो हुआ कॉपी ये वाला, ये है साइज अभी इसका हुआ चेंज। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जाएं आप, ये शीयर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करना चाहें 0 है, इसको फोट, ये कुछ इस तरह सी शेप जो ओवल शेप सी हैं, इस तरह की चीज़ें, ये किसी भी एंगल के ऊपर ये आप करना चाहें इधर से, इधर से, ठीक है, शीयर एंगल है और ये दूसरा एंगल है रोटेशन वाला, ये देखा, ठीक है, साथ साथ हो भी रहा है ये शीयर का, जितना भी आप इसको, सपोज हम 10 रखते हैं और इसको इतना और कॉपी कर, ये जो कॉपी हुआ है वो ये वाला, ठीक है, पहले बिल्कुल स्ट्रेट और अभी इस तरह से हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफॉर्म, बस यही है, ट्रांसफॉर्म ईच हो गया, रीसेट का है, रीसेट नहीं अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये है कि आपने रिपीट कैसे करवाने हैं अपनी शेप्स को किसी भी एंगल के ऊपर, वो आप इधर से आगे कर सकते हैं। अच्छा, एक ये है और एक आपके पास इफेक्ट के अंदर भी आपको नज़र आएगा, ये डिस्टॉर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्म है, उसका और इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सपोज कुछ भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इसी की एक चले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की इसको खत्म करते हैं, इधर एक ले लेते हैं ऐसे सर्कल, ये और इसके नीचे एक स्मॉल सर्कल ले लेते हैं, ना भी लें तो इट्स ओके, लेकिन अभी आपको डिफरेंस बताने के लिए ये सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को ग्रुप कर सकते हैं आप। ठीक है, कभी जाएं आप इफेक्ट में, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म वही यूज़ करते हैं मोस्टली, ट्रांसफॉर्म में जाएं तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्केल मूव उसी तरह, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कॉपीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, सपोज आप ये चेंज करें इसका सेंट्रल पॉइंट, और कॉपीज इसकी कितनी करना चाह रहे हैं, कॉपी आप करना चाह रहे हैं 15 कॉपीज, ओके करें। अच्छा, सॉरी एंगल नहीं हमने सेलेक्ट किया, इफेक्ट ट्रांसफॉर्म लाई नहीं, अच्छा ये 360 का एंगल है, तो इधर एंगल दे दें इसको
25 का ही। कॉपीज कितनी करनी है आपने? 15 कॉपीज करनी है। इसी एंगल के ऊपर और सेंटर पॉइंट भी ये नीचे वाला सेलेक्ट करवा लें ऐसे। ओके करें तो ये इस तरह। सॉरी, इस तरह के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बड़ा अच्छा सा खुद ही जो है रोटेशन हो गई है। एक और करके देख लेते हैं इसकी कॉपीज। कुछ भी यहाँ पे वही ले लें, स्टेरी की ये वाला। ठीक है, कलर भी ये रख लेते हैं ताकि हमें नजर भी आ जाए। सिलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये बाकी ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, फ्री डिस्टॉर्शन, पोकर, ब्लॉर, ये कल वाले हैं जो हमने कल देख लिए थे। ठीक है, वो उधर से ये वही वाले ऑप्शन है। ठीक है, इसको अच्छा सेंटर ही रहने देते हैं, इसको 25 कर लेते हैं। ठीक है, साइज इसका 90 और ये वाला भी 90। कितनी कॉपीज करनी है? सपोज हमने 15 कॉपीज करनी है। ठीक है, ओके करेंगे, ये 15 कॉपीज हो गई इसकी। ठीक है, 1 और 15 हो गई है, लेकिन ये अभी ग्रुप है। दोबारा करते हैं इफेक्ट, इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, ऐसे ये कंफ्यूज करता है। ब्लैक दोनों को ग्रुप कर लें। इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये साइज वगैरह रहने में सिर्फ एंगल चेंज करते हैं 25। और यहाँ से कॉपीज कितनी करनी चाहें आप? 20। कुछ ऐसा था जो भी आप चीज ड्रा करना चाहें कुछ ऐसा से कर सकते। अभी ये जो आपका है मेन, इसके जो है सारे इसी के रोटेशन हुई है सारी। ठीक है, ये जो आपको वाइट स्पेस नजर आ रही है इसका कोई इशू नहीं है, ये आपकी कॉपीज कम है उस वजह से। देखिए इसकी कॉपी ज़्यादा करते हैं तो ये भी फिल हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म इस पे 25 ही रहने देते हैं, कॉपीज 30 कर लेते हैं। ठीक है, ये वो जगह भी फिल होगी जो आपको ब्लैंक नज़र आ रही। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक है, ये वाला, ये वाला, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अभी यहाँ पे किसी का कुछ प्रेशर हो तो वो पूछ सकते हैं। क्या पैटर्न्स हैं हमारे पास? इस तरह कोई इधर बाय डिफॉल्ट भी पड़े हुए हैं कलर स्वेचेस के अंदर, पहले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर अपना कोई आपने डिज़ाइन करके लगाना है, बनाना है, वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसी भी विंडो ली है हमने। ठीक है, इधर देखें आप कलर स्वेचेस के नीचे, तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक विंडो ली सिंपल। तो यहाँ पे आए हैं आप कलर स्वेचेज में, तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न मिल जाएंगे, ये 2-3 बाय डिफॉल्ट इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो कैमो कलर जो है इस तरह के, तो ये तो इधर पड़े हुए हैं। आपने अपना कोई पैटर्न डिज़ाइन करना हो, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी के होते हैं या टेक्सटाइल के, कुछ भी आप डिज़ाइन बना लें, तो उसको आपने ऐसे पूरा जो है पूरी वॉल के ऊपर या जो भी आपके पास डायमेंशन है उनके ऊपर लगाना है, तो वो आपने कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया है, इसको ख़त्म करते हैं। कोई कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप इधर, जैसे हम जल्दी से कर लेते हैं। चलें अच्छा,
पैटर्न भी, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। और बड़ा कर लेते हैं जो आपके स्पून फोक एंड नाइव चले वो बना लेते हैं आपने, इस तरह के रेस्टोरेंट की वॉल पे भी शायद देखें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट वे तो ये होता है कि कोई आप सेंटर में रहें तो इनको यूज़ करना है आपने, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं इतना, और इधर वाले को भी अपना कर देते हैं। और इसको आप इधर से चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको इधर रखते हैं, इसी साइज का वो एक फोक वो बना लेते हैं। मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। इस साइज का वो आप फोक जो होता है आपका वो डिज़ाइन कर लें, विड्थ भी उसकी तकरीबन इतनी रख लेते हैं यहाँ तक, ये विड्थ होगी। इसको पहले साइज इतना ही यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। इसको फिल कर लें, ये आप अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे यही वाली इसकी कॉपी कर लें, सेंटर में कर लेते हैं इसको, सेंटर में। अच्छा, इसको यहाँ से कट कर देते हैं जिस तरह आपका। अच्छा, मैं तो आप इधर तीन रेक्टेंगल लगा लें सिंपल सी, इनको यहाँ से रोटेट कर दें। अच्छा, इसको स्टाइल देना चाहें तो आप इसको भी ऊपर से आप जा रहे हैं इस तरह से कुछ बन जाए, ठीक है। इसका कलर इन तीनों को आप गैप जो है वो सेम कर लें, वो आपको पता ही है लाइन में जाके हम करते थे किधर डिस्ट्रीब्यूट या कर लें, ठीक है। इसको सेंटर कर लें और इन तीनों को यहाँ से कट कर दें सेंटर से, यहाँ ठीक है। अब यहाँ से इशू है, इसको यहाँ से पहले तो इसका सेंटर जो होता है वही हम लगा लेते हैं ताकि हमें जो साइज इक्वल करने का कोई इशू ना रहे। यहाँ पे इसको मिला दें ऐसे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सर, ये फोक तो नहीं लग रहा, ये तो अंडा बनाने वाला चम्मच लग रहा है। चलें, जो भी कंसीडर कर लें आप वो बना लेना, हम तो वैसे देख रहे हैं। अच्छा, वो इसका राउंड सर इसके साइड में अगर कॉर्नर से अगर रिमूव कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। हाँ, ये जो एजेस है ना साइड वाले कॉर्नर ये मिस कर देते हैं, वो अभी नहीं होंगे क्योंकि हमने से पहले कट कर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो कॉपी कर लें। क्या बोलते हैं इनको, किचन यूटेंसिल्स? यस सर। ठीक है, चलें, अब बन गया।
इधर से इसको जो है नीचे से इसका सेंटर करके यहाँ से भी मिला दें, ठीक है, यहाँ तक ले आए। ये यहाँ पे इसको मैनेज कर देते हैं ऐसा था। अब इसको सही भी कर सकते हैं, अगर ना सही बनाओ तो नो वरीज। ये यहाँ पे इश्यूज होगा कुछ कॉर्नर्स पे, इसको ठीक कर लें या फिर बाद में रोंगेट वगैरह आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी इसके पार्ट्स अलग अलग हैं, इसको आप एक ही करना चाहें वो आपको पता है, पाथ फाइंडर में जाके, ठीक है, पाथ फाइंड विंडो पाथ फाइंडर में जाके हम इसको एक कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ले आए इधर, ठीक है। अभी इसके ये टू कॉर्नर जो हैं इनका थोड़ा सा है, चलें आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसलिए इधर एंकर पॉइंट्स भी शो नहीं हो रहे, ठीक है। हाँ यहाँ से कुछ ऐसा कर लें थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो और क्या आता है, नाइफ, वो भी आप बनाना चाहें या इन दो को यूज़ कर लेते हैं, चलें इन दो को यूज़ कर लेते हैं, वो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी कर देते हैं पाथ पॉइंटर से ही, फिर गायब हो गया ये पड़ा, ठीक है, इसको भी एक कर दिया। अच्छा, अभी इनको ऐसे ही रखना चाहें या फिर इनकी आउटलाइन यूज़ करना चाहें, इसके कॉपी करके साइड पे कर देते हैं, ठीक है, और इनके आउटलाइन हम यूज़ कर लेते हैं सिर्फ ये वाली, ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऐसे इनको इधर कर देते हैं, साइज वगैरह देखते हैं सेम है, अगर नहीं सेम तो सेम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक है, साइज तकरीबन सेम ही है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लें इसके सेंटर में, लेके इधर, और इसको रोटेट करवा सकते हैं आप कुछ ऐसे, ऊपर नीचे जहाँ भी आप करना चाहें, इसको भी थोड़ा सा कर दें ऐसे, जहाँ भी आप इसकी सेटिंग रखना चाहें या इसका फिल ख़त्म करना चाहें आप। अच्छा, इसका देखना हो नीचे से सेम है या नहीं वो आप ये लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा इधर कर लें कुछ ऐसे, या इसको ऊपर नीचे करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, मैं अभी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इनके ये वाले ख़त्म करना चाहें यहाँ से पॉइंट, ये भी ख़त्म कर सकते हैं ऐसे, ये वाला रहने में दूसरे वाला, ठीक है। इनको आप ग्रुप कर लें, साइज थोड़ा सा छोटा करना चाहें थोड़ा छोटा कर लें, तो देखिए हमने साइज कम किया है तो लाइंस मिल गई हैं, इसलिए साइज थोड़ा सा बड़ा ही रहना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी इसका पैटर्न बनाते हैं, ये आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहें, वो कुकिंग वाला जो पॉक होता है वो, या नाइफ या कुछ भी, अभी हम फिलहाल ये किया। इसका पैटर्न पे आए, पैटर्न्स ऑप्शन, ये यहाँ पे आप विंडो में आके पैटर्न्स ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके पास पॉपअप आ गई है पैटर्न ऑप्शन। इधर अभी आपको फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इधर इसके मेन्यू में आए, मेक पैटर्न, ठीक है, तो ये आपसे कह रहा डायलॉग, वो द न्यू पैटर्न हैज़ बीन एडेड टू दिस स्वेचिज पैनल,
इधर ऐड होगा स्क्रैचेस के अंदर, तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? ओके, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड का इस तरह से कुछ पैटर्न्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। ये इधर इसके ऑप्शंस हैं नीचे, कॉपीज़ कॉपीज़ कितनी करनी है ये, इसको चेंज कर सकते हैं। 1 बाई 1 करेंगे एक कॉपी, 3 बाई 3, 3 3 3 ये कॉपीज़। नीचे आए 5 5 कॉपीज़, इससे ज़्यादा करना चाहें 7 बाई 7 कॉपीज़, ठीक है। और चलें, अभी हम 5 5 पूरा था हमारी विंडो के ऊपर, तो यही कर लेते हैं। और 5 5 की हमने कॉपीज़, तो आगे ऑप्शन है ब्रिक बाय रो, ब्रिक बाय कॉलम, कौन सा करना है जो सब ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, चेंजेस भी हो रही हैं, इनको हैग्स करें कुछ इस तरह से, पैटर्न चेंज हो रहा है बेसिकली ये, ठीक है। हैग्स बाय रो, रो में करेंगे तो ऐसे। अभी हम क्या कर लेते हैं, ग्रिड ही यूज़ कर लेते हैं। ग्रिड में ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ठीक है। शो स्वैचेज बाउंड, ये करना है कि नहीं करना है, इसको रहने दें, ठीक है। डिम कॉपी, अच्छा डिम करें तो ये देखें कुछ कॉपी जो है इस तरह, अगर दूसरी वाली है कुछ ऐसे। अभी इसका ये चेक ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसको ख़त्म करें तो ये ऊपर जाएं, डन सेव एज कॉपी, न्यू पैटर्न, कौन सा करना है हम इसको डन करते हैं, ठीक है। अभी ये गायब हो गया आपका पैटर्न, वो कहाँ पे शो हो गया ये आपने नहीं कहना कि गायब हो गया, तो अब क्या करें, ठीक है। इसको साइड पे कर लें बेचक ऐसे ही, तो इधर आपको मिल जाएगा ये लास्ट वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक इधर ड्रा करते हैं विंडो, ठीक है। इधर इसको कलर कर लें कोई सा भी, ये वाला वैसे ही आप देखने के लिए, ये वाला कर लें, इसको ख़त्म कर लें, ठीक है। पैटर्न जो आपने डिज़ाइन किया है वो ये वाला है, ठीक है। तो अभी आपको ये पैटर्न नज़र आ गया, ठीक है। तो ये वही पैटर्न है जो हमने अभी डिज़ाइन किया है। तो इस तरह के आपको क्या है, वो वॉल्स वॉल पेपर जो होते हैं उस तरह पे, या जो यही आपने शॉप्स वगैरह होटल रेस्टोरेंट देखे हैं, आप इसमें और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इधर कोई सर्कल, स्मॉल सर्कल ऐड कर लें, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करके यूज़ करते हैं हम बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है ऐसे। अच्छा, इसका कलर देखें, वही है जो हमने ब्लैक रखा है, तो ये ब्लैक नहीं सेव होगा, कलर चेंज करके करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से कुछ। इसके ऊपर बाद में आप राइट करना चाहें या ऐसे डार्क यूज़ करना चाहें, डार्क भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया, एक स्मॉल सा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन किया, ठीक है। और इसमें आइकन्स आप ऐड करें या कोई और पैटर्न बनाना चाहें, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी के जो डिज़ाइन है, जो टेक्सटाइल के डिज़ाइन हैं उसका कुछ बना लें, पूरी वॉलपेपर, पूरे डेस्क के ऊपर जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं वो तो पैटर्न ही बेसिकली होते हैं। उस तरह की कुछ ड्राइंग करना चाहें, जिस तरह पहले हमने ऊपर से ट्राई किया है ये वाला, ये और ये साथ में इस तरह से, ठीक है। अभी हमने जो न्यू बनाया वो ये वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये था पैटर्न का, बाकी ऑप्शन आपने इसके देखे नीचे वाला। अच्छा, इसको लाइट में यूज़ करते हैं इससे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ आप राइट करना चाहें। अच्छा, इस तरह के होते हैं आपसे कोई, जिस तरह आपने व्हाट्सएप का देखा हुआ है, व्हाट्सएप की अगर स्क्रीन आप ओपन करें तो बैकग्राउंड के ऊपर पैटर्न से लगे हुए हैं, व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे ही होते हैं। हाँ जी, ये व्हाट्सएप की आप देखें चैट बॉक्स जब ओपन करते हैं तो इसके पीछे वो बैकग्राउंड पे आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप के देखें तो उसमें मैसेज का है, कॉल का है, अलार्म का है, आइसक्रीम का है, या पता नहीं क्या कुछ है, कोई पेट्स भी हैं उसमें, हैंड है, लाइक है, गेम्स के, वो आप सारे ऐसे मिक्स करके तो उसको पैटर्न आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वो फाइबर का देखें तो उधर भी ऐसे ही है विंडो की। फिर आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह का लोगो डिज़ाइन करते हैं तो वो कहते हैं यही जो हमारा लोगो है इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐड करें, और हमारे जो है एक पेज वगैरह डिज़ाइन करना या कुछ डिज़ाइन करना करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह का पैटर्न डिज़ाइन कर दें, तो ये ईजी है, आप कर सकते हैं। अभी हमने दो ऑब्जेक्ट ऐड किए, आप इसमें ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरह बैकग्राउंड के ऊपर पैटर्न यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे कुछ आपने टेक्स्ट राइट करना है ऐसे, ठीक
ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनका आप कलर चेंज करना चाहें ऐसे ऐसे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओपेसिटी काम में इस तरह से आपको लग रहा है। ठीक है, इसको बैकग्राउंड के ऊपर कर दें। तो बैक क्या था पहले, इस तरह नज़र आ रहा था, इसकी ओपेसिटी काम ज़्यादा कर दें, ऐसे नज़र आ जाएगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक पैटर्न, और इधर से भी हो गया आपके पास ये साफ पेपर, आपका फोकस फोन, इसका नेम वगैरह रखना हो। ये देखिए जिस तरह ये डिज़ाइन किया था, एक बार इसको फिर देखते हैं। इसको क्या रहेगा था, इसका नेम हमने देखना, वो कैसे रखना, विंडो में आए पैटर्न, पैटर्न ऑप्शन, ठीक है, इधर मेक पैटर्न, ओके। इधर आप इसका नेम भी रख सकते हैं, जैसे ये आपका है कोक कूल, ठीक है, ये भी आप रखे। अच्छा, ये तो सेम ही हो जाएगा, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं कैंसिल करके। इधर कुछ ऐड भी कर लेते हैं, दो कॉपी कर लेते हैं। इनको ब्लैक में कर लेते हैं। ये खत्म कर रहा हूँ अभी, चलें इसको रहने देते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप किया और एक न्यू आर्टबोर्ड कॉपी कर लेते हैं। उसको इधर ले आए, साइज थोड़ा सा कम कर लें ऐसे। इसी का आप पैटर्न बनाना चाहें दोबारा, इधर पैटर्न ऑप्शन, पैटर्न ओके। इसका नेम रखना चाहें आप, इसको ठीक है, इसकी डायमेंशन ये भी हुई है, इसको जितना मर्जी आप चेंज कर सकते हैं, ये हम रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें, देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया इनका, ये बाहर है ये अंदर है, इस तरह से हो गए। चलें ये वाला कर लेते हैं, ब्रिक बाय कॉलम, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें, यहाँ से डन करें, तो ये आपका सेव हो गया। इसको साइड पे कर लें, करना चाहें इधर रेक्टेंगल लें एक, तो ये किसी में भी किसी ऑब्जेक्ट में भी आप सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये रेक्टेंगल ही लें, इधर कुछ सर्कल लगा लें आप, या कुछ भी कर लें। तो ये कुछ इस तरह से आपको पैटर्न हैं ऐसे यूज़ होते हैं, जो आपने सेव किया है, हमने येलो और ब्लैक कलर यूज़ किया था, वही इधर मैं करता हूँ, उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने रेक्टेंगल में यूज़ किया, इसी तरह कोई भी आप सर्कल ले लें, इसमें करना चाह रहे हैं उसमें भी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, कैसे है, ये तो पहले सेलेक्ट था इसलिए आ गए, तो अभी इसमें करना चाह रहे हैं, एक बार क्लिक कर दें और आपके सर्कल में आ जाए, किसी भी शेप के अंदर आ जाएगा। इसको डिलीट, सर्कल में शेप चेंज करके देख लें, पॉलीगॉन, इसमें भी वही पैटर्न आ रहे हैं। कॉपी करना चाहें जितने भी है कॉपी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से जैसे भी आप यूज करना चाहें उसको कर सकते हैं। कार्ड को भी ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ठीक नहीं लग रहा, इधर ले गया हमारे, जैसे भी आप करना चाहें इस चीज देखते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इधर ले
तो ये था पैटर्न्स का, बेसिकली आप इधर ड्राइंग कर लें कि डिफरेंट पैटर्न जैसे मिले, लेकिन ये वाला हमारे साथ ओवर है, ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। तो जो भी आप इसकी कटिंग करना चाहें वो करके अपना पैटर्न खुद से जो है वो सेव कर सकते हैं। ये वाला नीचे वाला सही लग रहा है, इसको डिलीवरी कर दो, ठीक है। तो ये था पैटर्न का, इसमें आप वो व्हाट्सएप का देखें, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में ओपन करके पीछे पैटर्न है, उसके काफ़ी सारे टेक्स्ट लगे हुए हैं, वो आप किस तरह का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पैटर्न का, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये है कि आपने मल्टीपल स्ट्रोक्स ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे? सिंपल मेथड है ये, अभी एक है स्ट्रोक, कलर वही जिस तरह आप पिक करते हैं, सपोज ये हम रखते हैं कलर। इसके बाद आप जाएं इधर अपेयरेंस में, ये स्ट्रोक आपको मिल रहा है इधर 16 लगा हुआ है, ये वही चीज़ है, इधर भी 16 शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो इसकी आप कॉपी करना चाहें, डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम, डुप्लीकेट इसको करते हैं, यही नीचे आ गया सेम एज इट इज ये वाला, ठीक है। इसका कलर पहले तो चेंज करते हैं ब्लैक, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रोक ऊपर वाला जो है 16 है पहले, तो इसको चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमें नीचे वाला ज़्यादा ना करना पड़े। इतना ये नीचे वाला 16 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा करें ये, ठीक है। ये आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है सेकेंड। इसी तरह इसकी ये कॉपी कर लें, जो सेकेंड वाला है ये नीचे आ जाएगा आपका, इसका कलर चेंज कर लें, ठीक है। और इसका स्ट्रोक आप ज़्यादा करेंगे तो आपको नज़र आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। जिस तरह जितने भी आप स्ट्रोक ऐड करते जाएंगे, 1 2 3, अभी आपने 3 स्ट्रोक जो है वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसी तरह फोर्थ ऐड करना चाहें, इसकी एक और कॉपी कर लें, फोर्थ ऐड हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसकी वैल्यू और ज़्यादा कर लें तो ये इस साइड पे फोर्थ वाला भी ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह ये, अच्छा वो इधर से ऑप्शन थी अलाइन स्टोक की, अच्छा ठीक है, पहले तो इसको देख लें। 4 ऐड हो गई, 1 2 3 4 विद डिफरेंट वैल्यूज, ये बाई वाला सबसे आपको शो हो रहा है, इसकी वैल्यू भी कम कर लें ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 स्टोक ऐड हो गए, तो अभी जाएं स्टोक में इधर, तो इसकी अलाइन स्टोक आपने कहाँ करना है, इनर इनसाइड आउटसाइड, या ये लिखा भी हुआ है, फर्स्ट वाला है अलाइन स्टोक टू सेंटर, अभी सेंटर में है, नेक्स्ट करेंगे तो इनसाइड है, इनसाइड स्टोक आ जाएंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी तब नज़र आएगा ये, ठीक है। अगर आउटसाइड करना है ये लास्ट वाला, तो इस तरह से जितना भी स्टोक दिया हुआ है वो सारे आउटसाइड आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सारे आउटसाइड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्टोक्स जो हैं इस तरह ऐड कर सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करना है, ये भी सिंपल ऐड हो गए। इसी तरह दूसरी शेप्स के लिए इनको आप सेपरेट करना चाहें तो पाथ में आए, आउटलाइन स्ट्रोक ख़त्म कर दें, ठीक है। ये आउटलाइन स्ट्रोक ख़त्म हो गया, अभी ये कलर में चले गए, फिल कलर में इनको अनग्रुप कर लें, तो इस तरह ये स्ट्रोक आपके अलग अलग हो जाएंगे सारे, ये सेपरेट पड़ा हुआ है आउटर, फिर अच्छा इनको अनग्रुप करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा तो वो एक हुआ जो लास्ट वाला था, सॉरी आपको बताना भूल गया, ये दोबारा करते हैं। अभी आपका लास्ट वाला जो है वो हुआ है अनग्रुप, और उसका आउटलाइन ख़त्म हुआ है, इसको करना है दोबारा आपको, आउटलाइन स्ट्रोक में चले जाएं, उधर से कर लें। और भी इसके वेज हो सकते हैं लेकिन सिंपलेस्ट यही है, अनग्रुप कर दें, ये इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके लिए करना पड़ेगा आपको पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक और अनग्रुप, ठीक है। तो ये भी अलग कर दें, अभी ये आपका रह गया स्ट्रोक सिर्फ, बाकी सारे आपने रिमूव कर दिए हैं, ये वाला रह गया, इसको आप जैसे भी है इसकी आउटलाइन ख़त्म करना चाहें या स्ट्रोक यूज़ करना चाहें, सब टू यू, ये ख़त्म हो गया, सही है। अभी आप
फिर से इनको अलाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये आप तो इस तरह से वन बाई वन मल्टीपर्स हो गया सर, वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी शेप के लिए, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए भी देख लेते हैं। मल्टीपल स्ट्रोक, स्ट्रोक ही लिख देते हैं तो, ठीक है। इनको अगर लिखना चाहें आप, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, इसका इनर खत्म, पहले मैंने आउटलाइन ख़त्म की है। अच्छा वैसे भी कर सकते हैं आउटलाइन, अगर नाम भी ख़त्म कर दें, स्ट्रोक लगा लें इसको, आउटलाइन ख़त्म कर दें ये वन, अच्छा इसको साइड पे कर लें पहले, तो ये बड़ा डिस्टर्ब कर। ठीक है ये वन स्ट्रोक, ठीक है। इसके बाद किधर गया वो, अच्छा इधर ही आए। शायद वो डायरेक्ट ही अप्लाई ना करने में स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा सदो में, अच्छा इसके मल्टीपल हमारे पास नहीं शो हो रहे, तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं पिंक कलर का। इससे पहले वो लगा लेते हैं हम, ख़त्म करें ठीक है। इसका मल्टीपल नहीं शो हो रहे, मल्टीपल को क्या हो गया, अच्छा इसका मल्टीपल नहीं शो हो रहा, वो देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा शो। इस तरह इसका हो रहा है, इसी तरह इसका भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा इसका। अच्छा इसका अनग्रुप करके अलग अलग पे आएंगे, अभी शायद आ जा सकते। अच्छा ठीक है, अनग्रुप करके आए हैं, पहले इसका जो फिल कलर था वो ख़त्म किया, अभी अनग्रुप किया, ठीक है। अभी आपके पास आ गया स्ट्रोक, इसकी कॉपी कर लें, पहले ब्लैक कर लें, इसको कलर चेंज कर लें, इधर से वैल्यू चेंज कर लें, तो मल्टीपल अभी आपको शो हो रहे हैं टू साइडेड पे, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, इसकी कॉपी कर लें, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लें, और ये थर्ड कलर, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह आप टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रोक ऐड करना चाहें, मल्टीपल कलर्स ऐड करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो ये था मल्टीपल स्ट्रोक का ये सिंपल सा, बिल्कुल था सिंपल सा ऑप्शन, तो ऐसे आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इनको छोटा बड़ा करते रहें, वन बाई वन यूज करें। लेकिन अच्छा एक और इसकी ऑप्शन है टेक्स्ट में ही, वो भी देख लेते हैं एक बार, फिर टेक्स्ट लेते हैं स्ट्रोक, ठीक है। इसकी कॉपी कर लें एक अपने आर्ट बोर्ड की, ठीक है। इन इसको दें आप स्ट्रोक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक दे लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लें, इसके स्ट्रोक देखें काफ़ी ज़्यादा करके देखते हैं ऐसे ऐसे,
है, मतलब आपने टेक्स्ट को स्टाइलिंग देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक आपने दे लिया, लगा लिया, उसके बाद आप इधर आए तो इनसाइड आउटसाइड जो है वो आप यूज करें। स्ट्रोक लगा लिया, ठीक है, स्ट्रोक आपने कर लिया हुआ है, इसको पास आउटलाइन। इनको क्या हो गया, ठीक है, बैक पार्ट, अच्छा इसका क्या था, इशू आ रहा था, ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको पहले आउटलाइन में करेंगे तो तब ये वापस आप इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने काफ़ी सारा स्ट्रोक लगाया उधर 40 का, ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, या कलर इसका चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आउटलाइन में इसको कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और रो, ठीक है, आउटलाइन में हो गया। तो अभी आप स्ट्रोक की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। ये अभी आपके पास सबसे पहले वाला ऑप्शन है सेंटर में स्ट्रोक, इसके बाद इनसाइड, इनसाइड पे हो गया। ये ऐसे टेक्स्ट को आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आपने ऐसे टेक्स्ट देखे भी होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट वाला जो आउटसाइड पे अगर करना चाहें, ये ऐसे बाउंड्री भी आ गई आपकी स्टाइलिंग वाली, इस तरह की ये स्ट्रोक लिखा हुआ और आपका टेक्स्ट भी आ गया। ये आप देखें अगर कि के जो है वो इनसाइड गया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ से एस भी आपको लग रहा है और ओ भी लग रहा है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप अनग्रुप कर लें, ठीक है। अभी ये आपके पास ऐसे है ग्रुप, इसको अन ग्रुप करके आप बाहर भी निकाल सकते हैं, आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है, इसको अन ग्रुप करें तो फिर करें वन बाय वन और इसको ऊपर कर दें, ठीक है। फिर ऐसे टी का भी इशू आ रहा है, इसको अन ग्रुप कर लें सारे, अभी अन ग्रुप, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, जिधर भी इशू। इसी तरह ये के का है, इसको अन ग्रुप करें और के को ऊपर कर दें, ठीक है। रो का है, रो को भी कर दें, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। अभी आप इनको सिलेक्ट करें सबको और अच्छा इसका भी है, इसको भी अनग्रुप कर लें, ठीक है। ये इनको अलग अलग सिलेक्ट करें, आप इसके कलर चेंज करना चाहें या कुछ भी, सॉरी दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, नहीं राइट क्लिक करके, ऐसे ये राइटिंग नीचे भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन अभी क्या किया है, इसको कोई आप कलर देना चाहें बाद में भी, ऐसे 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 जहाँ से भी आपको अच्छी लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। इनको इधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, और सॉरी बाउंड्री लग गई है, बाउंड्री का कलर नहीं हम दे रहे, हम ये वाला देना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये आप दे सकते हैं बाहर वाला आप लगाना चाह रहे कलर, सबको सिलेक्ट कर लें नीचे वाले कलर के, क्योंकि हमने अनग्रुप किया हुआ है इसलिए अलग अलग हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेंज कर दें, इसको डार्क डार्क कर दें, मोर और डार्क कर दें, ठीक है, ऐसे इसको वाइट कर दें ऐसे। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को, आपने लोगोस वगैरह में देखा होगा इस तरह के टेक्स्ट अगर लिखे हैं उनकी स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं स्टोक को यूज़ करते हुए, ठीक है। इस तरह ये देखें, इसको बाउंड्री भी लग गई है, आपका कलर भी हो गया और इस तरह की इधर मल्टीपल स्टोक भी आपके ऐड हो गए हैं, और पहले हमने सर्कल को देखा, ठीक है। तो इनको भी आप अलग अलग कर सकते हैं वही आउटलाइन ख़त्म करके। तो ये बेसिकली इधर इनका ज़्यादा यूज होगा जब आप टेक्स्ट को स्टाइलिंग वगैरह देंगे या बाउंड्री ऐसे लगाना चाहें, ठीक है। वो जैसा कंट्रोल टूल के अंदर थी ये उसी तरह के उनसे मिलता जुलता ही है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, तो